मैं डॉक्टर दयानंद चौपाल बोल रहा हूँ, जीएन चौपाल। मैं नोएडा, दिल्ली, पटना का हॉस्पिटल खूब अच्छा चलते हुए भी छोड़कर अपनी जन्मभूमि और इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए यहाँ आए हैं। सारी परेशानी को झेलते हुए हम यहाँ हॉस्पिटल खड़ा किए और हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन आए दिन पब्लिक जो असामाजिक तत्व है, वो छोटी छोटी घटना जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी बराबर हंगामा करने आ जाता है। हम एक महादलित से डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है, लेकिन हम महादलित से हैं, ये झेलना हमें पड़ रहा है। जब हम परेशानी में होते हैं, आप लोगों के सिवाय किसी का को बचाने तो नहीं आता, सहानुभूति फ़ोन करके भी नहीं करता है। इस कारण हम इतने परेशान हतोत्साहित हो गए हैं कि मन करता है कि यहाँ से बोरा बिस्तर समेट कर जाए। हम यहाँ आए कि धीरे धीरे सारे तरह का यहाँ पर व्यवस्था करें, हाईटेक हॉस्पिटल बनाएं, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की तमन्ना है और उसका ज़मीन भी खरीदा गया है। लेकिन इस तरह से परेशानी को देखते हुए हमको लगता है कि यहाँ ये डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। और महादलित लेडीज़ के साथ उसको घिचा घिची करने से अधर्मनग्न हो गई, ये भी बहुत ही खराब एवं दुखद बात है। अच्छा, पेशेंट के साथ हुआ क्या था कि हंगामा हुआ? और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि हॉस्पिटल हम लोग उस वक्त पहुंचे थे, तो कोई जानकारी देने वाला तक नहीं था कि आखिर पेशेंट के साथ हुआ क्या था, घटना क्या हुई थी। पेशेंट हमारे यहाँ कोई फ़ोन किया कि पेशेंट सीरियस है, इमरजेंसी में उनको देख लीजिएगा। पेशेंट आया, सबसे लास्ट में नंबर था, फिर भी उसको जल्दी देखे, बोला कि पेट में बहुत दर्द है और 3 दिन से लैट्रिन नहीं हुआ है। उसमें कोई डेंगू का जांच भी नहीं लाया था, ना हमारे यहाँ डेंगू का व्यवस्था है जांच करने का। उसको इनिमा लगने के बाद एक्सरे कराए, इनिमा लगवाए, खूब फर्स्ट क्लास उसका लैट्रिन उतर गया, जिसके बाद वो बोला कि हम अब जाना चाहते हैं घर। हम चले गए ऑपरेशन रूम में कुछ काम करने के लिए, उतने में अच्छा महसूस करके यहाँ से चला गया। शाम को जब हम कहीं एक जगह गए थे रिश्तेदार में, उसी समय में हमारे साथ मैनेजर भी गया था, सब लोग करीब करीब 5 स्टाफ यहाँ से गए हुए थे, और खाना मिला ही था कि तुरंत ये खबर आया कि आपके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो रहा। हमें समझ में नहीं आया कि कौन सा मरीज है, 2-3 मरीज सीरियस था, तो पता चला कि यहाँ का कोई मरीज नहीं है, बाहर से कोई लाश लेके आया। तो पता चला कौन है, तो वही कृष्णनंदन यादव है, जो उनके परिजन उनको मृत अवस्था में लाया यहाँ पर। लाने के बाद डॉक्टर को, स्टाफ को वो मार देना चाहता था, इस बेस से आया था, बेग से आया था, और घुसते ही 2-4 मरीज के आदमी को झापड़ मारा, जिससे कहा कि हम लोग मरीज हैं, मरीज के आदमी हैं, तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद ये गेट खोल करके, इसको तोड़ करके सारा इस सामान आप लोग देखे ही होंगे सीसीटीवी में, अब तो सजाए हैं थोड़ा मोड़ा, सब कुछ को तहस नहस कर दिया। हिंदू की भावनाएं भगवान और मंदिर में है, इसके बावजूद भी मंदिर को तोड़ देना, साईं बाबा के फोटो को लात से मार मार करके चूर कर देना, दान में दिया हुआ लाखों रुपया करीब करीब उसमें था वो भी चुरा लिया। तो वो इरादा लेके आया था जान मारने के लिए और लूटपाट करने के लिए। बाहर में लॉकर मैनेजर साहब रखे थे, 1.5 लाख से ऊपर पैसा था उसमें, जो कि उसको ईंट से तोड़ करके उसमें से सारा कैश निकाल लिया, और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जब उसको पैसा मिल गया यहाँ से वो निकल गया। इससे लगता है कि लूट प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि आखिर सिक्योरिटी मिले, क्या हो? प्रशासन से तो गुजारिश है ही कि जो सामाजिक और सामाजिक तत्व हैं जो बार बार इस तरह से परेशान करते हैं, तो सुनते ही कम से कम, इसमें भी आए भी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, थाना जैसे फ़ोन किए 15 मिनट के अंदर आया था, तब तक तोड़ फोड़ करके चला गया। इसमें आग लगाने की धमकी आप लोग भी सुने होंगे, बाहर कर रहा था कि आग लगा देंगे, सारा मरीज निकलो। उस समय में भी ऑपरेशन किया हुआ था, बड़ा बड़ा ऑपरेशन किया हुआ था, वो मरीज जिसको दर्द से करा रहा है वहाँ कहे कि तू निकलो और आग लगाएंगे, उस मरीज को, उसकी, उस मरीज को अपना समझ के पीड़ा उसकी समझिए क्या हो रहा होगा, फिर भी वो भागा।
हैं, आप बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार से क्या मांग है? बिहार सरकार से मेरी मांग है कि जो यहाँ पर हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, अब तो जो कर गया उसे एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी गंभीर धाराओं में उसे दर्ज करके डॉक्टर जी एन चौपाल को एक न्याय दें।